दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय मेक माई एडवर्टाइजमेंट। टोक्यो में खेले जा रहे ओलंपिक के छठे दिन भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, तीरंदाज दीपिका कुमारी और मुक्केबाज पूजा रानी अगले राउंड में पहुंच गई। तो वही हार की हैट्रिक के बाद महिला हॉकी टीम के लिए क्वार्टर फाइनल में पहुंचना लगभग नामुमकिन हो चुका है। तो ये जानते हैं कैसा रहा टोक्यो ओलंपिक के छठे दिन भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन। सबसे पहले बात करते हैं बैडमिंटन की, जहां महिला सिंगल्स में विश्व चैंपियन सिंधु ने ग्रुप जे में हांगकांग की एनवाई च्यूंग को हरा प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। सिंधु ने च्यूंग को 35 मिनट तक चले मुकाबले में 21-9, 21-16 से हराया। अब बात तीरंदाजी की, जहां दीपिका ने महिला रिकवर राउंड के पहले मुकाबले में भूटान की कर्मा को 6-0 से हराया। इसके बाद अमेरिकी तीरंदाज जेनिफर फर्नांडिस को 6-4 से हराया। बॉक्सिंग में भारतीय मुक्केबाज पूजा रानी ने टोक्यो ओलंपिक में शानदार शुरुआत की। महिलाओं के 75 किलो की कैटेगरी में पूजा रानी ने अल्जीरिया की इचरक चाइब को 5-0 से हरा क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। रोइंग में अर्जुन और अरविंद की जोड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। वही सेलर में गणपति और वरुण ठक्कर की जोड़ी पुरुषों की स्किफ 49 आर सेलिंग मुकाबले में 4 रेस के बाद 18वें स्थान पर रहे। अब बात महिला हॉकी की, जहां भारतीय महिला टीम को ग्रेट ब्रिटेन ने 4-1 से हराया। कुल मिलाकर छठे दिन भारत ने बैडमिंटन, तीरंदाजी, नौकायान और मुक्केबाजी में अपनी चमक बिखेरी, लेकिन भारतीय महिला हॉकी टीम की लगातार तीसरी हार ने निराश किया है।